Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today we'll discuss about 10 words to score 7 plus band in any essay on technology. आपको पता है कि ऐसे बेसिकली कुछ 5-6 टॉपिक्स ही हैं जिनके ऊपर ऐसे आता है. बस क्वेश्चन जो होता है कभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो जाता है, कभी बोथ व्यूज हो जाता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. बट टॉपिक्स हमारे पास 5-6 ही हैं, चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो. तो अगर हम वो 5-6 टॉपिक्स के वोकैबुलरी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो आई विल बी डिस्कसिंग दी वर्ड्स टूडे अलॉन्ग विद दी सेंटेंस एंड दी सिनोनिम्स. अब सिनोनिम्स में डिफरेंस होता है. सिनोनिम्स आर दी वर्ड्स विच आर सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली द सेम. ओके, तो उनका यूजेज कभी डिफर कर सकता है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड विच इज इंडिस्पेंसेबल. आप सारे ये वर्ड जरूर यूज करते होंगे, इंपॉर्टेंट है ना. सो जहां पे भी हमें इंपॉर्टेंट यूज करना है सो हम इंडिस्पेंसेबल यूज कर सकते हैं. इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या, उसे ब्रेक करो. डिस्पेंस मतलब होता है कुछ फेंकने वाली चीज़. इंडिस्पेंसेबल जो काम की चीज़ है जिसे हमें फेंकना नहीं है. सो इंडिस्पेंसेबल इज वाइटल, क्रूशियल, सेंट्रल, पिवोटल. ओके, अब इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग पता चल गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं, सेंट्रल हैं या फिर पिवोटल है. सो उन्हें हम इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं. सो यू मे यूज़ द वर्ड इंडिस्पेंसेबल. आई हैव प्रिपेयर नोट्स फॉर यू फॉर ईच एंड एवरी वर्ड. इसके मैंने सेंटेंसेस प्रिपेयर करे हुए हैं बिकॉज विदाउट नोट्स प्रिपेयर करके किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत ही बेटर रहता है. क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी करे बिना पढ़ाओ तो डैट्स नॉट गुड. सो आई बिलीव जब भी वीडियो बनानी होती है आई प्रिपेयर, आई गिव अ प्रॉपर टाइम, आई गिव स्पेसिफिक टाइम बिफोर प्रिपेयरिंग दी वीडियो. ओके, सो आई टेल यू द सेंटेंसेज अलॉन्ग विद दिस. बेसिकली अगर हम डिस्पेंसेबल की बात करें तो टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आर मॉडर्न सोसाइटी. अब क्या है, टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत वाइटल पार्ट है हमारी मॉडर्न सोसाइटी का. क्यों? क्योंकि एवरी अदर डे न्यू गैजेट्स इन्वेंट हो रहे हैं, है ना, और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो उस पर्टिकुलर थिंग में क्या कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. सो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग एन इंडिस्पेंसेबल रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ आर मॉडर्न सोसाइटी. ओके, इस तरीके से हम सेंटेंस चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इनोवेटिव. इनोवेटिव को हम और क्या बोल सकते हैं, समथिंग विच इज ओरिजिनल. इनोवेटिव इज समथिंग विच इज ओरिजिनल. ओके, या फिर इंजीनियस. अब इस पर्टिकुलर चीज में क्या हम बोल सकते हैं कि देयर आर सो मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द पास्ट डेकेड. अब देयर हैव बीन न्यू इन्वेंशन, सो मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द पास्ट वन डेकेड. अब एक डेकेड 10 ईयर्स का है. सो इस 10 ईयर्स के स्पैन में बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस हुई हैं. सो देयर हैव बीन सो मेनी, देयर हैव बीन क्योंकि इन्वेंशंस है इसीलिए हैव लगा. देयर हैव बीन सो मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द पास्ट वन डेकेड. इन द पास्ट डेकेड, वन डेकेड भी मत यूज़ करो, इन द पास्ट डेकेड. जब हमने बोल ही दिया तो इट मीन्स कि एक डेकेड की ही हम बात कर रहे हैं. अगर मैं डेकेड्स बोलती तो मतलब 2-3 डेकेड्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्ट. इस वर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि इफेक्ट और इफेक्ट में क्या फ़र्क है. वो मैं आपको एक वीडियो इसके ऊपर बनने वाली है, डिफरेंस बिटवीन वेरियस वर्ड्स, उसमें मैं आपको प्रॉपरली डिटेल में समझाऊंगी. वैसे इफेक्ट इज इम्पैक्ट करना, किसी चीज़ पे इम्पैक्ट करना या कोई चेंज आना या कुछ ऑल्टर करना, सो डैट इज इफेक्ट. ठीक है, अब इस तरीके से ये न्यू वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. फॉर इफेक्ट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस कैन बी यूज. सो लेट्स से द ग्रोथ ऑफ वेरियस इनोवेशंस affected the lifestyle of individuals. अब बहुत सारी new inventions हुई हैं, एक ही word, दो words हमने एक ही sentence में use कर लिए. Various innovations or various innovations has affected the lifestyle of individuals. अब इस चीज़ की वजह से क्या हुआ है, individual का lifestyle, जो हमारे society में individuals हैं उनका lifestyle change हुआ है. तो affected या impacted
या चेंज्ड द लाइफस्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? कोई डिस्कवरी करना या फाइंडिंग. बट ये जो डिस्कवरी और फाइंडिंग होती है एकदम सडन होती है. ऐसा नहीं कि किसी भी डिस्कवरी के लिए आप ब्रेक थ्रू यूज़ कर लोगे कि किसी ने ये डिस्कवर करा तो वहाँ पे ब्रेक थ्रू यूज़ कर लिया. ठीक है. सो ब्रेक थ्रू यूज़ होता है कोई सडन डिस्कवरी हो रही हो. इसके लिए आई टेल यू दिस सेंटेंस ऑल्सो. वेन वी वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड ब्रेक थ्रू, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट चेंज ड्रामेटिकली बाय दिस ब्रेक थ्रू. जो रिजल्ट था, एक सपोज कोई एक पर्टिकुलर हमारी कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर थ्योरी का रिजल्ट चेंज हुआ. कैसे चेंज हुआ? बिकॉज चेंज ड्रामेटिकली बाय दिस ब्रेक थ्रू. एक डिस्कवरी या फाइंडिंग हुई, उसकी वजह से उसका रिजल्ट चेंज हुआ. ठीक है. नाउ आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा कि रिजल्ट चेंज हुआ जब ये पर्टिकुलर एक फाइंडिंग हुई, एक पर्टिकुलर डिस्कवरी हुई आउट ऑफ अ सडन. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्राउज करना. बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, सी या गो थ्रू. जब आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो सो आप गो थ्रू या सी नहीं बोलते, आप बोलते हो ब्राउज करना. आई ब्राउज द इंटरनेट फॉर वेरियस थिंग्स और आई सर्व द इंटरनेट फॉर वेरियस थिंग्स. आई ब्राउज मतलब आपने देखा, बट यू विल यूज़ द वर्ड ब्राउज इंस्टेड ऑफ सीइंग. ओके. जैसे मूवी देखते हैं तो हम वॉच बोलते हैं, विल डू नॉट से सी. और यहाँ पे है ब्राउज, मतलब जब भी आप कुछ इंटरनेट पे देख रहे हो, कुछ कंप्यूटर पे देख रहे हो, आप कोई वेबसाइट पे कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ देख रहे हो, सो दैट इज़ ब्राउजिंग. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंशियलिटी. प्रिवेसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी. अब कॉन्फिडेंशियलिटी व्हाट डज इट मीन? आपकी प्रिवेसी जो है, हम प्रिवेसी की जगह कॉन्फिडेंशियलिटी बोल सकते हैं. अब इसमें हम किस तरीके का वर्ड यूज़ कर सकते हैं? देखो, सोशल मीडिया हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन आर प्रिवेसी, ऑन आर कॉन्फिडेंशियलिटी. अब आपको पता होगा या आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट 6-8 months बैक एक न्यूज़ आई थी कि फेसबुक के ऊपर एक हम लोगों ने इंडिविजुअल्स ने कुछ वो करा था केस कि हमारी प्रिवेसी को ये हैम्पर कर रहा है. क्यों हैम्पर कर रहा है? कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो हैं उन्हें ये हमारा डेटा देते हैं और उस अकॉर्डिंगली सपोज हम एक पर्टिकुलर थिंग बार बार देख रहे हैं, लेट्स से हम कुछ वोटिंग से रिलेटेड या नरेंद्र मोदी से रिलेटेड हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हम वो बार बार देख रहे हैं, तो व्हाट इज़ हैपनिंग थ्रू दैट, वहाँ पे उन्हें पता चल रहा है कि वी आर वॉचिंग थिंग्स रिलेटेड टू हिम. सो हमें एडवर्टीजमेंट भी उसी रिलेटेड आएंगे, तो वोटिंग के टाइम में इस चीज़ का मिसयूज करा जाता है. दिस इज़ द थिंग. सो इट हैज़ इम्पैक्टेड. अब इफेक्ट की जगह इम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं ना. इट हैज़ इम्पैक्टेड आवर प्रिवेसी, बट यहाँ पे हमने उसी तरीके से यूज़ करना है. अगर मैंने बोलना है इफेक्ट्स ऑन आवर प्रिवेसी तब मैं इफेक्ट्स बोलूँगी, ई डबल एफ ई सी टी. अगर बोलना है इफेक्टेड तो ए डबल एफ ई सी टी बोलूँगी. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेंसरशिप. ये आप सबने सुना होगा, रिस्ट्रिक्शन या सप्रेशन. बेसिकली बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि अभी आती हैं रेगुलरली. आपने नोटिस करा होगा कि मूवीज़ में कुछ सीन्स जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, कुछ सीन्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं. क्यों कट होते हैं? एक सेंसरशिप बोर्ड होता है जिसके थ्रू वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस बोर्ड में देयर इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर सीन मूवी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. कोई ऑब्सीन होने लगता है, कुछ इलिसिट लगता है, तो फिर वो डिलीट कर देते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट द सेंसरशिप बोर्ड. सो सेंसरशिप के लिए हम क्या वो कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये वर्ड अपना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ दिस वर्ड बाय सेंसरशिप बोर्ड डिसाइड्स रिगार्डिंग द फिल्म कंटेंट. ओके. जो सेंसरशिप बोर्ड है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट फिल्म में देना है और क्या कंटेंट होना चाहिए. सॉरी, इट्स नॉट कंटेंट, इट इज़ कंटेंट.
ओके क्या कंटेंट होना चाहिए फिल्म में, दैट इज समथिंग डिसाइडेड बाय सेंसरशिप बोर्ड. अब आप कभी भी मूवी देखने जाओगे, कभी भी कोई आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो वीडियो कि ये वाला सीन वीडियो में वो मूवी में नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेंसरशिप बोर्ड ने बैन कर दिया था. ओके दैट इज़ द वर्ड विल बी यूजिंग यहाँ पे. हम ये नहीं बोलेंगे रिस्ट्रिक्ट या वो, पर अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इसका मीनिंग है एंड सप्रेशन भी, ये इसके सिनोनिम्स है. मूविंग फर्दर, किसी चीज़ को इवॉल्व करना. ओके व्हाट इज़ इवॉल्विंग समथिंग? इवॉल्व करना होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करना. ओके इवॉल्विंग इज डेवलपिंग, कोई भी चीज़ डेवलप करना तो इवॉल्व करना. सो आर कंट्री इज़ इवॉल्विंग डे बाय डे और आर कंट्री हैज़ इवॉल्वड अ लॉट. सो हम वहाँ पे इवॉल्व यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डेवलप. आई हैव रिटन अनदर सेंटेंस ऑल्सो फॉर यू. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आर कंट्री इज़ इवॉल्विंग. विद द एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है तो आर कंट्री इज़ इवॉल्विंग. ठीक है, ग्रोथ हो रही है कंट्री की, डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है कंट्री की. सो अब आपको वर्ड से और मीनिंग से सब पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज जैसे प्रिवेसी. प्रिवेसी मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बोथ आर द सेम थिंग्स. सो वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है. एक और वर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ आफ्टर दिस. रेवोल्यूशनाइज पहले हम डिस्कस करते हैं. बेसिकली रेवोल्यूशनाइज इज द वर्ड कि आपको मैं पहले इसका सेंटेंस बताने वाली हूँ. रेवोल्यूशनाइज इसको चेंज ले आना, सम चेंज. सो दैट इज़ रेवोल्यूशनाइज करना. रेवोल्यूशनाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज आर पर्सनल कंप्यूटिंग. ओके सॉरी, नैनो टेक्नोलॉजी जो है, नैनो मतलब क्या होता है? कोई स्मॉल थिंग. नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से अब क्या हो रहा है, पहले जो होते थे कंप्यूटर, अगर ये कि हमें बेसिकली हार्ड डिस्क की हमें 500 GB होती थी, उसके लिए हमें कितना बड़ा स्पेस चाहिए होता है. बट नाउ एक छोटे से लैपटॉप में हमारा सारा काम हो जाता है. सो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? हर एक चीज़ को कॉम्पैक्ट कर रही है, डैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी. सो नैनो टेक्नोलॉजी ने क्या करा है? एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं. एंड ट्रांसफॉर्म कर देना, कोई चीज़ को चेंज कर देना, मतलब उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देना इन अ पॉजिटिव वे, रीकास्ट कर देना, रीशेप कर देना, डैट इज़ रेवोल्यूशनाइज. सो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से पहले हमें जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बल्कि थिंग्स यूज़ करनी पड़ती थी, नाउ वी हैव बीन गिवन बाय द, दिस इज़ द ग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि हमें छोटे से पीसीज में और आईपैड्स में ही हमारे सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं. नाउ हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट एक मेन थिंग जो हमारी रह गई है, डैट इज़ डिवाइस. आप टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ करते हो? किसी डिवाइस की हेल्प से ही तो वो यूज़ करते हो. सो डिवाइसेस इज़ कोई मशीन या कोई गैजेट. ठीक है, सो ये क्या होता है? डिवाइस. ये वर्ड ऑलरेडी हमने बहुत बार यूज़ करा हुआ है. Children have been using gadgets unnecessarily these days. तो बहुत ज़्यादा they have been using gadgets unnecessarily these days. They do not go outside for playing. They prefer using gadgets at their home. They are confined to their homes because they prefer gadgets over playing outside. Or they prefer gadgets to playing outside. कि बाहर खेलने से better है कि gadgets use करो घर में. अब आपको ये तो पता चल गया कि ये 10 वर्ड्स आपने कैसे यूज़ करने हैं टेक्नोलॉजी में. ये सारा डिस्क्रिप्शन में, बेसिकली डिस्क्रिप्शन पूरा ही दूंगी मैं, सेंटेंस भी आपको बताऊंगी एंड मीनिंग भी, सो डैट आपको एक हेल्प मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, आप वो सेव कर सकते हो. अलॉन्ग विद डैट आपको ये पता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ऐसे, पर अब मैंने बोल तो दिया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट किस तरीके के ऐसे? आप एक्सेस यूज़ ऑफ मशीन्स, कि मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. We are dependent on machines instead of depending on manual things. Okay. Increased usage of internet. Internet बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं अब. Usage की जगह यहाँ पर मैंने बताया था ना, browsing internet. Now excessive demand of video games nowadays. Excessive demand हो रही है video games की. Technology से related जो भी चीज़ आ जाए, so वहाँ पर हम क्या use करेंगे? We'll be using these 10 words. I hope it is clear to you now. Thanks for watching my video and कोई भी आपका suggestion हो, please write to us in the comment section. Along with this, मैं आपको आज का homework देती हूँ, which I want आपने indispensable के ऊपर, ठीक है, breakthrough के ऊपर and censorship के ऊपर, ठीक है, ये 3 words आपने basic इसके ऊपर आपने sentences बना के मुझे देने हैं. I'll check it for you. अगर कोई mistake होगी तो I'll let you know. And
आपने डिवाइसेस एंड ब्राउज इस पर्टिकुलर, ये जो हमारे बेसिक वर्ड्स हैं ये आपने सेंटेंसेस में ऑलरेडी यूज करने हैं. ओके, आई विल चेक इट एंड आई विल रिवर्ट यू. प्लीज राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल. पर अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो प्लीज लेट अस नो, देन ओनली विल गेट टू नो, विल नो हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट अगेन.